और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं बिट्टू सिंह जयंत। अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना वायरस पूरे दुनिया में एक भयंकर महामारी का रूप ले चुका है। अगर इसके मरीजों की बात की जाए तो पूरे विश्व में यह आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अगर इसके रिकवरी रेट की बात की जाए तो 50% से ऊपर का रिकवरी रेट है और 50 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। और मृतकों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 5 लाख लोग इस वायरस से मृत्यु को गले लगा चुके हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में यह आंकड़ा 5 लाख के करीब है, यानी कि 5 लाख लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 15,000 लोग इस वायरस से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया में तब भूचाल आ गया जब भारत की बहुचर्चित आयुर्वेद कंपनी पतंजलि ने यह घोषणा किया कि हमने कोरोना की दवाई बना ली है और इसका मूल्य मात्र 534 रुपया है। लेकिन पतंजलि आयुर्वेद के मालिक बाबा रामदेव तब फंस गए जब उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अधिकारी यतेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पतंजलि के आवेदन में हमें कोरोना के इलाज के बारे में कोई क्लेम या कोई नाम नहीं दिया गया था, हमने तो उन्हें मात्र खांसी और बुखार का लाइसेंस निर्गत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आयुर्वेदिक दवाई के प्रचार के पहले कंपनी को राज्य सरकार से प्रचार की अनुमति लेनी होती है, जो कि बाबा रामदेव ने नहीं ली है। इसके लिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी, उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और काश और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली। हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत, जिसमें यह है कि अगर कोई ऐड आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है, उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा। इन्होंने प्रेजेंट जो करा है या जो आप जो कल हम देख रहे हैं टीवी पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें ये कोरोना का ट्रीटमेंट का दिखा रहे हैं, तो जो कि ठीक नहीं है।